हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल यूनिक सी डिश जो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है और 3 कप मुरमुरे हम भीगने के लिए डाल देंगे। अच्छी तरीके से हिला के इसको 15 मिनट के लिए हम भिगो देंगे। तो ये देखिए, 15 मिनट के बाद में मुरमुरे काफ़ी नरम हो चुके हैं, अच्छे से ये भीग चुके हैं। अब हम इसे पीस लेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। अब हम एक चन्नी लेंगे, चन्नी में हम 1/2 कप रवा ले लेंगे। मोटा हो या पतला, कैसा भी होगा चलेगा। सूजी को हम अच्छे से छान लेंगे, स्वाद अनुसार हम उसमें नमक डाल देंगे और सूजी को मुरमुरे के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फूलने के लिए रख देंगे साइड में 10 मिनट के करीब। जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है, हम इसके साथ खाने वाली टमाटर की चटनी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैं 2 चम्मच तेल डाल दूंगी। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच उड़द की दाल डालेंगे, 2 छिला हुआ लहसुन डालेंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे और अच्छे से दाल को हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कटी हुई प्याज। प्याज को हम नरम होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और टमाटर को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर जैसे ही थोड़े से नरम हो जाएंगे, इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ठंडा करके मिक्सर में पीस लेंगे। हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, 10 मिनट बाद रवा हमारा काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। अब इसमें डालेंगे इनो। तो ये देखिए, लेमन फ्लेवर का मैंने इनो लिया है और 1 पैकेट इसमें डाल दिया है। इनो को अच्छे से बैटर में मिक्स करेंगे। एक फ्लफी सा बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक इडली का स्टैंड ले लिया है और उसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे और जिस तरीके से हम इडली डालते हैं उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर करके इसमें डाल देंगे। जिस तरीके से हम इडली को स्टीम करते हैं उसी तरीके से इसको भी हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, स्टीम करने के बाद में हमारी रेडी हो चुकी है स्टीम पैटिस। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम बनाया था और ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए थे। इडली का सब्स्टिट्यूट इसको मान सकते हैं। इस तरीके से पहले हम प्लेट में स्टीम पैटिस रखेंगे और जो टमाटो चटनी हमने बनाई थी उस टमाटर की टेस्टी चटनी इसके ऊपर फैला देंगे। ऊपर से थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे और फ्रेश हरे धनिए से इसे ऊपर से गार्निश करेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को दीजिए। बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाले हैं, एकदम टेस्टी नया नाश्ता। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।